माया को देखने के लिए आज फिर से लड़के वाले आ रहे थे, लेकिन माया के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। यह पहली बार नहीं था जब कोई लड़का उसे देखने के लिए आ रहा था। अब तक कुल मिलाकर 7 लड़के उसे देखकर जा चुके थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता था कि जो भी उसे देखने के लिए आता था वह दोबारा ना तो फोन करता था और ना ही माया में कोई दिलचस्पी लेता था। माया देखने में बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से उसने MBA किया हुआ था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रही थी। उसे खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता था और वो बहुत व्यवहार कुशल भी थी। इतने सारे गुणों के होने के बावजूद भी आज वह 32 साल की होने जा रही थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। घर में केवल उसके पिताजी थे। उसकी माँ का देहांत 14 साल पहले ही हो चुका था। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब उसने अपने पिता को भी संभाला। उसके पिता तो ऑफिस में ही व्यस्त रहते थे, पीछे से वह घर भी संभालती थी और अपने पिता के लिए खाना बनाकर भी रखती थी। वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपने पिता का ध्यान रखने लगी थी। उसके पिता मनोहर जी को ऐसा लगता था जैसे बेटी के रूप में उन्हें एक माँ मिल गई हो। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए दोबारा कभी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब उनके लिए उनकी बेटी ही उनकी दुनिया थी। उन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया ताकि भविष्य में उसे किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और माया भी अपने पिता के प्यार को समझती थी, इसलिए वह भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान भी करती थी। जब माया 21 साल की हुई तो उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। लड़का पहली नजर में ही माया को पसंद कर लेता था। सकारात्मक रूप से बातचीत आगे बढ़ती थी, लेकिन फिर मनोहर जी लड़के के माता पिता से अकेले में कुछ बातचीत करते थे और उसके बाद वह लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते थे। माया धीरे धीरे बहुत तनाव में रहने लगी थी, क्योंकि उसकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। जब वह लोग चटकारे लेकर अपने ससुराल के किस्से सुनाती थी, अपने पति के प्यार के बारे में बताती थी, तो मन ही मन माया उन सब चीजों के लिए तरसने लगती थी। वैसे भी उसकी भी कुछ आवश्यकता थी जिनकी पूर्ति एक पति के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसे भी किसी का साथ चाहिए था, किसी का प्यार चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके पिता कितनी गहरी चाल चल रहे हैं। वह अपने पिता पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन उसके पिता उसके भरोसे का किस तरह फायदा उठा रहे थे इस बात से वह अनजान थी। धीरे धीरे उसके लिए रिश्ते आने भी लगभग बंद ही हो चुके थे। वह जब किसी विवाह में जाती थी या किसी रिश्तेदार के घर जाती थी तो लोग उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगते थे। माया को समझ में नहीं आता था कि लोग उसे ऐसी नजरों से क्यों देखते हैं। वह जब भी उन लोगों से बात करने की कोशिश करती थी तो थोड़ी बहुत बातचीत करके वो लोग उससे दूर भाग जाते थे। यह सब देख देख कर माया हीन भावना से ग्रस्त होने लगी थी। उसे लगता था कि जरूर उसमें कोई समस्या है जो उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आज भी माया को देखने के लिए लड़के वाले आ चुके थे। माया सपाट चेहरा लिए हुए उन लोगों के सामने गई और उन लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने लगी। कहीं न कहीं उसके अंतर मन में यह बात थी कि इस बार भी लड़के वाले शायद भाग जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन जब वह लड़के से अकेले में बात करने के लिए गई और आधे घंटे के बाद वापस आई तब तक लड़के के माता पिता के तेवर बदल चुके थे। वह बहुत घबराए हुए से थे और लड़के के पिता ने तुरंत ही अपने बेटे का हाथ पकड़ कर कहा, चल बेटा हम घर चलते हैं, तेरे लिए हम कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। लड़का कहने लगा, क्यों पापा, आखिर इस लड़की में क्या बुराई है? उसकी माँ कहने लगी, तो चुपचाप यहाँ से चलता है कि नहीं? इतना कहकर वह दोनों अपने बेटे को खींचते हुए वहाँ से लेकर चले गए। माया को इस बात का डर तो पहले से ही था, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुनकर माया का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो मनोहर जी ने उसे संभालते हुए कहा, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी और की जरूरत ही क्या है? तुम अच्छा खासा कमा लेती हो, तुम्हें किसी का सहारा थोड़ी न चाहिए। जाने दो, इन लोगों की किस्मत खराब है जो यह लोग मेरे हीरे जैसी बेटी को नकार कर चले गए हैं। वो अपने पापा के कंधे से लगकर सुबकने लगी, लेकिन मनोहर जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई। एक दिन माया शॉपिंग करने के लिए मॉल गई हुई थी, तभी उसे अचानक से सूरज दिखाई दिया। सूरज की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी, वो एक बार उसे देखने के लिए आया था। माया औपचारिकतावश उसे देखकर मुस्कुराने लगी तो सूरज उसे देखते ही घबरा गया और तेज कदमों से चलते हुए वहां से भागने लगा। माया को बहुत अजीब लगा कि आखिर सूरज उसे देखकर इस तरह डर कर क्यों भाग रहा है, लेकिन उसे काफी सोचने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। वह घर आई और उसने इस बारे में अपने पापा से बात की तो मनोहर जी पहले थोड़ा सकपका गए, फिर कहने लगे, जाने दो बेटा, किसके मन में क्या है हम क्या कह सकते हैं। वैसे भी अच्छा है ना, ऐसे पागल लड़के से तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ, जरूर उसे कोई मानसिक समस्या होगी जो ऐसी हरकतें कर रहा था। यह बात सुनकर माया को भी लगा कि हो सकता है सूरज को सच में कोई दिमागी समस्या हो जिसकी वजह से वो ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा था। फिर वो उस बात को भूल गई, लेकिन जब भी किसी की शादी होती थी तो वो बहुत उदास हो जाती थी और सोचती थी कि क्या मेरी किस्मत में कोई लड़का नहीं है
इसी बीच उसके ऑफिस में काम करने के लिए अनिल आया। अनिल देखने में बहुत ही स्मार्ट था और उसकी भी अभी शादी नहीं हुई थी। अनिल की दो बहनें थी और उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अनिल ने सोचा था कि वह पहले अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा देगा, फिर शादी करेगा। इसी चक्कर में उसकी शादी होनी रह गई थी और अब उसके लिए भी रिश्ते आने बंद हो गए थे। अनिल और माया धीरे धीरे एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वैसे भी दोनों को जिंदगी में अकेलापन महसूस होता था और दोनों की कहानी लगभग एक ही थी। दोनों ही अभी तक अविवाहित थे और जीवन साथी की तलाश में थे, तो परिस्थितियां दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों जिंदगी के सफर में एक साथ चलने का मन बना बैठे। आखिरकार एक दिन अनिल ने माया को प्रपोज कर दिया। माया के लिए वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। वैसे तो कोई भी लड़का उसे देखते ही इनकार कर देता था, लेकिन आज पहली बार किसी लड़के ने सामने से आकर उसे शादी करने की बात की थी। उसका मन खुशी से झूम उठा, उसने तुरंत हाँ कर दी। अनिल कहने लगा, अगले सप्ताह मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे पापा से मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम उनके सामने यह जाहिर मत होने देना कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि बहुत से माता पिता अपने बच्चों की लव मैरिज नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए मैं एक पंडित जी के जरिए उनसे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी ऑफिस में हमारा डिपार्टमेंट अलग है, तो उन्हें शक नहीं होगा कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। माया को भी इस बात में कोई बुराई नहीं लगी। उसने सोचा कि इस बार भी हर बार की तरह लड़के वाले मुझे देखने के लिए आएंगे, लेकिन इस बार कोई मुझे इनकार नहीं करेगा। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश थी। अगले सप्ताह उसके पापा कहने लगे, बेटी आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम जरा अच्छे से तैयार हो जाना। माया को तो पहले से ही पता था, वह तो एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर चुकी थी। आज उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। मनोहर जी भी उसके उत्साह को देखकर हैरान थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि तुम चाहे कितना भी सज संवर लो, लेकिन लड़के वाले तो तुम्हें मना करके ही जाएंगे। अनिल अपनी माँ के साथ घर आ चुका था। औपचारिक बातों के बाद अनिल और माया एक दूसरे से बातचीत करने के लिए छत पर जा चुके थे। दोनों हंसी खुशी छत पर बात कर रहे थे कि अब वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। 15-20 मिनट के बाद जब वह दोनों नीचे आए तो नीचे का माहौल बदल चुका था। अनिल की माँ सावित्री जी अनिल से बोली, बेटा चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माँ के रूखे स्वर को सुनकर अनिल चौंक गया। वह कहने लगा, क्या हुआ माँ, कोई बात हो गई क्या? सावित्री जी बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ से चल। वह बिना कुछ कहे अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहाँ से लेकर चली गई। यह देखकर माया की आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे कि आखिर यह क्या हो गया। वह अपने कमरे में आई और उसने तुरंत ही अनिल को फोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अनिल ने उसका फोन नहीं उठाया और उसे मैसेज किया कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अब माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह सोचने लगी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, जो भी लड़का मुझे देखने के लिए आता है वह मुझे इनकार ही कर देता है, लेकिन अनिल तो मुझसे प्यार करता है, तो फिर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। माया का सिर फटने लगा। रोते रोते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को उसके फोन की घंटी बजी तो उसकी नींद टूटी। अनिल का ही फोन था। उसने लपक कर फोन रिसीव किया तो अनिल कहने लगा, तुम मुझसे शाम के 6 बजे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। माया ने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। वह जल्दी से उठी, उसने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और घर से निकल गई। जब वह अनिल से मिली तो अनिल ने उसे ऐसा कुछ बताया कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अनिल ने उसे कहा कि माया, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ को बताया है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। यह सुनकर माया चौंक गई और कहने लगी, तुम साफ साफ बताओ क्या कहा है मेरे पापा ने। अनिल कहने लगा, तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से कहा है कि बहन जी, मैं चाहता तो आपसे छुपा कर भी रिश्ता तय कर सकता था, लेकिन शादी के बाद आपको मेरी बेटी की असलियत पता चल ही जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। वह आत्माओं से बात कर सकती है और जब वह यह सब करती है तो वह बहुत डरावनी हो जाती है। बचपन से ही उसे घर में अलग अलग कमरों में कुछ न कुछ दिखाई देता है, लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, बस मैं अपनी बेटी की सही ढंग से परवरिश करता रहा। मेरी बेटी को भी यह सब पता है, लेकिन वह अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। उसे जगह जगह आत्माएं दिखाई देती हैं, इसीलिए तो आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। आप लोग यह रिश्ता तय करना चाहते हैं तो शौक से करिए, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता देना उचित समझा। बाकी वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस उसे आत्मा दिखाई देती है। मेरी माँ ने जब यह सुना तो उनके तो होश ही उड़ गए, इसलिए वह तुरंत ही मुझे वहाँ से खींच कर ले आई और घर पहुँच कर वह बहुत रोने लगी कि तुमने अपने लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ महसूस होता तो तुमने मुझसे पहले ही यह सब बताया होता। बोलो माया, सच्चाई क्या है? यह सब सुनकर माया हैरान रह गई। वह कहने लगी, यह सब सच नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया है, पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो उसी वक्त अनिल को लेकर घर पहुंची। अनिल को देखते ही मनोहर जी चौंक गए और कहने लगे, यह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? माया व्यंग से कहने लगी, पापा शायद आपको पता नहीं है, अनिल मेरे ऑफिस में काम करता है और हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अब वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आप बताइए कि आपने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला कि मुझे आत्माएं दिखती हैं। यह सवाल सुनकर मनोहर जी सकपका गए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे।
अनिल कहने लगा, वह तो अच्छा हुआ कि मैं इसे पहले से जानता हूँ, तो मैंने इसे सच्चाई बता दी। क्या आप हर किसी को यही बात कहते हैं जिसके कारण इसका रिश्ता टूट जाता है? मनोहर जी का सिर झुक गया था। उन्होंने धीरे से कहा, माया मुझे माफ कर दो। हाँ यह सच है कि जो भी लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आते थे उनके माता पिता से मैं यही सब कह देता था, इसलिए वह तुमसे डर कर भाग जाते थे। माया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज पिता पर से उसका विश्वास उठ गया था। वह रोते हुए कहने लगी, पापा आपने यह क्यों किया? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो आपकी सगी बेटी थी ना, फिर भी आप मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे थे? मनोहर जी दुखी स्वर में बोले, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। मैं यह नहीं चाहता था कि मैंने जिस बेटी को इतने प्यार दुलार से पाला है वह दूसरे के घर में जाए, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे और तुम यहाँ से चली जाती तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाता। बेटी मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी शादी के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं चाहता था कि कभी तुम्हारी शादी ही ना हो। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़े। अनिल कहने लगा, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आज तो आप इस दुनिया में हैं तो यह आपके लिए इस घर में रह रही है। आप क्या चाहते हैं कि आपके बाद यह जिंदगी भर अकेले ही तड़प कर रह जाए? अरे पिता तो वह होता है जो अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देकर जाता है कि वह उसके बिना भी हंसी खुशी जी पाए, लेकिन आप तो इसे इस दुनिया में अकेले ही छोड़ देना चाहते थे। मनोहर जी के पास आज माफी मांगने के अलावा और कोई शब्द नहीं बच पाए थे, क्योंकि उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी। कोई पिता इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपने बच्चों की खुशियों के बारे में बिना सोचे बस केवल अपने ही सुख सुविधा के बारे में सोचता रहे? लेकिन मनोहर जी ऐसी गलती कर बैठे थे कि माया का दिल टूट चुका था। अब मनोहर जी ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी और अनिल की शादी करवा दूंगा। माया ने कहा, वह तो आप नहीं भी कहते तो भी हम दोनों शादी करते ही, लेकिन पापा आपने जैसी बातें मेरे बारे में फैला दी है क्या वो बातें झुठलाई जा सकती हैं? इसीलिए सभी रिश्तेदार मुझे अजीब सी निगाहों से घूरते थे, कोई भी मेरे करीब आने से डरता था। क्या आप वो सारे पल मुझे वापस कर सकते हैं? क्या आप सबकी नजरों में मुझे सही साबित कर सकते हैं? मनोहर जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने माया को हमेशा अपने करीब रखने के लिए चक्रव्यूह रचा था, लेकिन जो भी इंसान सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता अपनाएगा उसे अंत में तो दर्द ही मिलेगा। माया कुछ ही दिनों में शादी करके अनिल के साथ चली गई और मनोहर जी जिस अकेलेपन से डरते थे आज उसी अकेलेपन का शिकार हैं, क्योंकि माया के मन में अपने पिता के लिए कोई इज्जत नहीं रह गई थी। उनकी बीमारी वगैरह में वो उनका ध्यान रखने के लिए तो आ जाती थी, लेकिन अब मनोहर जी अपनी बेटी के साथ वो पहले वाला लगाव महसूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो, केवल छल कपट हो, उस रिश्ते में लगाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।